नमस्ते सब लोग को, मैं सोनू खत्री और हमारे संजय भूषण जी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम चिंटू भाई के साथ में बैठ के मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और बस चिंटू जी को आपने फिल्म में एज ए हीरो लिया है, क्या इनमें लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इंडस्ट्री में जो अभी है, जैसे दिनेश भैया है, खेसारी जी हैं, चिंटू भाई है, सबके साथ में काम करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब दिनेश जी के साथ में काम करना है तो उन्हीं के साथ में काम करें। सब हीरो हैं, सब कैपेबल है काम करने के लिए, सब अच्छे हैं, तो सबके साथ में काम करने में अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे दिनेश भैया के साथ में करें, या खेसारी जी के साथ में करें, या पवन भैया के साथ में करें, या चिंटू भाई के साथ में करें, कैसा तो एक्सपीरियंस रहा आपको उनसे शूट करके आपका? बहुत मज़ा आया पहली बात तो। और फर्स्ट टाइम काम किया हूँ चिंटू भाई के साथ में, और बचपन से देखा हूँ इनको, तो काम तो फर्स्ट टाइम किया हम लोगों ने। फाइटिंग फाइटिंग होती थी शूटिंग फाइटिंग तो अभी कभी कभी तो होता ही था, है ना? होता है कभी कभी, वैसा कुछ नहीं क्या, सेट पे काम पे काम का प्रेशर रहता है तो पे? लेकिन वो उनको। बड़ा हाँ मजेदार फाइट होता था। अच्छा, वो हम लोग हाँ का बड़ा कॉमेडी वाला होता था। हम लोग एक्चुअली फाइट नहीं, कॉमेडी करते थे हम लोग। जी बोलो सर, नहीं हीरोइन को तो लाइन नहीं मारता था। नहीं ये बिल्कुल, मैं तो बोलता था अरे भाई मैं अब तक, क्योंकि एक्चुअली दरअसल बताऊँ तो सोनू भाई, सोनू खत्री जी, ये अभी तक मैंने जितने भी फिल्में की हैं सब में सबसे एनर्जेटिक प्रोड्यूसर अगर आज तक मुझे कोई दिखा तो ये बंदा दिखा है। जो हर चीज़ में लगे रहते थे, और इनका एक ही मोटिव होता था कि मैं मेरा जो काम है उसको और कितना खूबसूरती से दिखाऊं। और ये इनकी अपनी सोच होती है कि मैं अगर जैसे कोई चीज़ हम लोग एक सीन हम लोग कर रहे थे वो नहीं अच्छा लग रहा था, वो नहीं मज़ा आ रहा था, तो इन्होंने खुद बोला कि हम लोग भाई इस लोकेशन पे नहीं, हम लोग दूसरे लोकेशन पे करते हैं। मेरे ख्याल से दूसरा कोई भी प्रोड्यूसर होता तो वो बोलता कि नहीं नहीं यहीं कर दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं कर दीजिए, हाँ मैनेज कर लीजिए। लेकिन इनका ऐसा नहीं है, और इनको जो भी कोई रिक्वायरमेंट देता था कि सर इस ये चाहिए, तो ये उस चीज़ को किसी भी हाल में पूरा करते थे। और ये सिनेमा के लिए सबसे बड़ी बात है कि सिनेमा प्रोड्यूसर पर निर्भर करता है कि आप कितनी खूबसूरत फिल्म दे पाते हैं, और तभी वो फिल्में अच्छी दर्शकों को भी अच्छी लगती है, क्योंकि ये प्रोड्यूसरों पर निर्भर करता है कि हम कितनी खूबसूरत फिल्म अपने दर्शक को दे रहे हैं। सुनो जी, आपके टीम में और कौन कौन से कलाकार बताएंगे? अभी जैसे कि मेरे टीम में हैं चिंटू भाई हैं, और एमिनी सिंह हैं, और नेपाल के एक खलनायक हैं ध्रुव कोइराला, और हीरोइन है नेपाल की, हमारी नेपाल की काफ़ी सारा फिल्म की हैं, महिमा सिलवाल जी हैं, और चौबे जी हैं, और अमित जी है, और सुमन जी है, बहुत सारे हमारे कलाकार्स हैं। और बहुत मज़ा भी आया उन लोग के साथ में काम करके। डायरेक्शन करने में कितना मजा आता है? डायरेक्शन करने में तो ये फर्स्ट टाइम है, और काम किए हैं अभी तो भाई बताएंगे, भाई को ज़्यादा मालूम है हमसे नर्वस नहीं अच्छा। होते थे कभी? नहीं, अभी जैसे कि हीरो जब कंफर्टेबल है काम करने में तो मतलब भाई जैसे हैं वो, तो हमको काम करने में और मज़ा आया। ऐसा कोई मतलब नर्वस फील, ऐसा मतलब कुछ, मतलब नहीं हम यार, अनकम्फर्टेबल ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल था। नहीं। ठीक, शूट किए हैं और दरअसल मैं क्या? बताना चाहूँ, हम लोग हाँ दोनों जैसा मैंने बोला कि एकदम एनर्जेटिक हैं, और मैं खुद एकदम लगा रहता हूँ सेट पे कि क्या ये चीज़ वो चीज़ ऐसा वैसा, तो वो जो एनर्जी लेवल था हम दोनों का वो काफ़ी हद तक एकदम बराबर था। और दोनों एकदम, दोनों की यही कोशिश होती थी हम दोनों की कि सिनेमा को कितना खूबसूरत रूप, कितना खूबसूरत रंग दे पाएँ, क्योंकि जी फिल्म का नाम ही है प्रेम गीत, और ये अपने आप में कमाल की लव स्टोरी लिखी है लाल जी यादव जी ने। तो उस चीज़ को दर्शाने में काफ़ी कई बार तो सोचना पड़ता था कितना खूबसूरत सीन है, इस खूबसूरत सीन को दर्शाना है, और सोनू भाई ने एकदम उस पर लग गए थे। और सोनू भाई ने कुछ कुछ शॉट्स तो बहुत कमाल के लिए हैं, और इन्होंने हमेशा यही प्रयास किया है कि एक खूबसूरत सिनेमा मैं हमारे दर्शकों को दूँ। सुनो कहते जी, सिनेमा बनाने से पहले आप क्या क्या करते थे? इससे पहले एक मैं मार्शल आर्ट ट्रेनर हूँ, मैं मार्शल आर्ट टीच करता था, और एक छोटा मोटा मतलब एक होता है एक होटल व्यवसाय भी है, और उसके अलावा तो बस वही फिल्म लाइन में जुड़ा हूँ। कुछ 2008-09 से हूँ मैं इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो बस वही है। और तो कैसे भोजपुरी सिनेमा बनाने, कैसे आप नेपाल से हैं, नेपाल जानते, भोजपुरी जाने जानते थे, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हूँ कि मैं नेपाली हूँ तो नेपाली फिल्म बनाऊँ या उससे भोजपुरी हूँ, वहाँ पर तो सेकंड लैंग्वेज मैथिली है। जी मैथिली है, लेकिन हमारा मातृभाषा एक भोजपुरी भी है, तो मैं पैदाइशी इधर ही हूँ। मेरा आधा खानदान, मेरा जो आधा फैमिली है वो यूपी में मतलब गोरखपुर में रहती है खानदान है आपका? जी, है, और जैसे हम लोग है वो नेपाल में है, और मुंबई में भी रहते हैं, तो
तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम एक पर्टिकुलर जगह गए तो वहाँ पे वहाँ का ही लैंग्वेज का फिल्म बना, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ के हमारे यूपी बिहार के जो हमारे आर्टिस्ट लोग गए वो नेपाली इंडस्ट्री में भी काम करते, नेपाल के जो लोग यहाँ पे भी काम करते, बॉलीवुड में काम करते, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं और है। कौन सी फिल्म आपने बनाई थी बताएं, किसको लेकर बनाए? अभी तो एक मैंने फिल्म बनाया है नेपाल, अपना भोजपुरी का सबसे बड़ा बजट का, बोले आप लोग ही आप लोग देखेंगे तो आप लोग को खुद को मालूम पड़ जाएगा। बताएंगे निरोहा चला लंदन, ये अभी 25 जनवरी को रिलीज हो रहा है रिलीज हो रही है। ऑल ओवर इंडिया, और आप लोग ने गाना भी देख लिया होगा, वीडियो गाना भी हम लोग ने छोड़ चुके हैं वर्ल्ड वाइड के थ्रू। तो ये बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, और आप लोग सब लोग जाइए सिनेमा घरों में ये फिल्म देखिए और इसका कमेंट्स दीजिए। और आप लोग देखेंगे, आप लोग जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम लोग अच्छा फिल्म नहीं बना पाएंगे। तो आप लोग अच्छा कमेंट दीजिए, आप लोग बोलिए, आप लोग जितने भी ऑडियंस है आप लोग जब कमेंट देते हैं, आप लोग अच्छा बोलते हैं तो हम लोग को और मतलब एनर्जी आता कि नहीं और इसे और बेटर हम लोग करें। जैसे हम लोग ने लंदन में शूट किया है, आप लोग और फिल्म देखेंगे, आप लोग पैर देंगे तो शायद हम एक दिन US में अमेरिका में जाके फिल्म बनाएं। अच्छा फिल्म कहाँ कहाँ रिलीज होगी 25 जनवरी को? 25 जनवरी को ऑल ओवर इंडिया हो रहा है और नेपाल में भी हो रहा है, और प्लान तो हम लोग का ये भी चल रहा है कि बाहर आउट ऑफ कंट्री भी रिलीज करें, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है। नेपाली में बताएंगे कहाँ 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 रिलीज हो रहा है और कब रिलीज हो रहा है? नेपाली में नेपाली में नमस्ते, मैं सोनू खत्री, नेपाल में नेपाल में हाम्रो वीरगंज में अनि त्यसपछि काठमाडौँ में, ऑल ओवर नेपाल में अलमोस्ट तपाईँको 10 ठाउँमा रिलीज हुँदैछ। नेपाली में बताया जरा निरुआ के बारे में। भैया तो अच्छा खुद हमारे जो दिनेश भैया है वो मेरे बहुत मतलब आदरणीय, एकदम मतलब मैं एकदम सम्मान करता हूँ भैया को, इतना कॉपरेटिव और इतना अच्छा मतलब इंसान मैंने कभी लाइफ में तो देखा ही हीरोइन नहीं का है। बर्थडे है, कुछ गिफ्ट दिया आपने? अभी मैम तो अभी शूटिंग कर रही है सिलवासा में तो मैं जा नहीं पाया हूँ, एक्चुअली थोड़ा काम के सिलसिले में भी यहाँ पे फंसा हूँ, क्योंकि निरोहा चला लंदन भी 25 को रिलीज ये है। वीडियो देख रहे हैं, कुछ उनको बोलना चाहेंगे? मैम को सबसे पहले तो मैं हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूँ, और बहुत अच्छी हैं और आगे भी मतलब लाइफ में मतलब उनके जीवन में बहुत सारे मतलब अच्छा काम करे, आगे बढ़े, हम बस यही दुआ दे सकते हैं और क्या है मैम। चिंटू जी कुमार है, नेपाली है, उनको इधर बैठ के ढूंढ दे। मैं तो भाई को बोला कि भाई शादी करो इधर ही बैठ जाओ, तो वो नेपाली भी सीख गए थे। बोले कि भाई अभी नहीं 3-4 साल में शादी करते। मैंने बोला भाई नेपाल से करना, शादी करना रहेगा तो अभी तक तो कोई पसंद आया नहीं है, शायद अभी नेक्स्ट शेड्यूल में आ जाए क्या मालूम। अभी नमस्ते लंदन का हम लोग शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत हाँ, जल्द हम लोग ये बहुत जी। बड़ी फिल्म है नमस्ते लंदन, हम लोग अभी फिल्म शूटिंग करने वाले हैं। अभी एक फिल्म करना जा रहा हूँ जिसका नाम है विवाह, जिसके प्रोड्यूसर हैं प्रदीप सिंह जी और डायरेक्टर हैं मंजूर ठाकुर जी। उसके तुरंत बाद हमारे सोनू भाई की फिल्म है नमस्ते लंदन, जिसका शुभ मुहूर्त भी हुआ था और अभी उस फिल्म का शूटिंग होगा। और वो बहुत बड़े लेवल पर है, उसकी शूटिंग बहुत सारे देशों में है, जो खुद सोनू भाई बताएंगे। सोनू जी जरा बताएंगे इसका नेक्स्ट शेड्यूल कब से शूट हो रहा है और कहाँ होगा? प्रेम गीत का तो ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया, अभी खाली गाना कुछ 4 गाना बचा हुआ है, उसी के शूट करेंगे हम लोग अभी 8-10 दिन के बाद। और उसके बाद में हम लोग जैसे जैसे भाई का दूसरा टाइम मिल जाता है तो फिर तुरंत हम नमस्ते लंदन का शूटिंग करेंगे, नेपाल में करेंगे, यूपी में भी यूपी में करेंगे, और उसके बाद में लंदन में करेंगे, और एक गाना के लिए हम लोग स्विट्ज़रलैंड भी जा रहे हैं। दर्शकों को जाते हैं तो कुछ कहना चाहेंगे आपकी सिनेमा रिलीज हो रहा? जी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम मैंने प्रयास किया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम अच्छा फिल्म बनाऊँ, अच्छा फिल्म बना के आगे और आप लोग को एंटरटेनमेंट करूँ। तो मैंने ये फिल्म बनाई है निरोहा चला लंदन, आप लोग जाइए 25 जनवरी को, 25 जनवरी को, बिल्कुल, देखिए अपने और पूरे परिवार के साथ। परिवार के साथ में एकदम शुद्ध, एकदम नीट एंड क्लीन फिल्म है, इसमें कोई ऐसा मतलब हमारे ओ गंदा वंदा चीज़ नहीं है। कोई आप पूरा वैश्विकता नहीं फैमिली के है, साथ में बिल्कुल जाके आप लोग पूरे परिवार के साथ में फिल्म देख सकते हैं 25 जनवरी ऑल ओवर इंडिया, इंडिया बिहार, यूपी, दिल्ली, मुंबई, नेपाल, सब जगह में आप लोग जाके देख सकते हैं जहां पर भी आपके। अपने भोजपुरी दर्शक हैं, सब लोग जी अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर 25 जनवरी से जी देखिए हमारे सोनू भाई की और मेरे बहुत ही फेवरेट श्री दिनेश लाल यादव जी की फिल्म निरहुआ चला लंदन। थैंक यू। भैया हो 25 जनवरी से आप सबके अपने नजदीकी सिनेमा घरों में आ रहल बा निरहुआ चले लंदन, जौना में हमारे बहुत ही फेवरेट श्री दिनेश लाल यादव जी, आम्रपाली दुबे जी और उनकर जौन फिल्म के प्रोड्यूसर बारे में सोनू खत्री भाई और साथे साथे फिल्म के जौन डायरेक्टर बारे में चंद्रपन जी,
सबके बहुत मेहनत बा फिल्म में, सब बहुत मेहनत करे बारे फिल्म खातिर, और बहुत ही कमाल के बहुत ही खूबसूरत फिल्म बा। तो रउआ लोग जाई और अपना नज़दीकी सिनेमाघर में पूरे परिवार के साथ, पूरे दोस्त यार के साथ जाकर निरहुआ चले लंदन के देखी। फिल्म पूरी तरह पारिवारिक है, पूरी तरह पारिवारिक एंटरटेनमेंट है। तो रउआ लोग जाई अपना पूरा परिवार के संगे और सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा के ज़रूर देखी और अपन प्यार और आशीर्वाद दी। और साथ ही साथ आज हमने के आम्रपाली दुबे जी के जन्मदिन बा, तो उनके भी आप सब लोग बहुत सारा विश करी, विशेष दी, बहुत सारा उनके शुभकामनाएं दी, ये ताकि वो जीवन में और बढ़िया से बढ़िया काम करत रहे। और हमने सबके जितना भी भोजपुरी में जितना भी कलाकार, जितना भी भोजपुरी में टीम टेक्नीशियन बा, जितना भी लोग भोजपुरी सिनेमा में योगदान अपन देता, सबके ओके अपन प्यार और आशीर्वाद जरूर दी।